सब्सक्राइब कीजिए स्टॉक प्रो टिप्स चैनल को और पाइए इन्वेस्टिंग और पर्सनल फाइनेंस रिलेटेड वीडियोस सबसे पहले। नोटिफिकेशन बेल को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि आपको हमारी वीडियोस की जानकारी सबसे पहले मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इंडिया के जाने माने इन्वेस्टर डीमार्ट के फाउंडर मिस्टर राधाकिशन दमानी जी के बारे में, जिनकी पोर्टफोलियो की नेटवर्थ अराउंड 10 बिलियन डॉलर्स है। सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी के सर्कुलर जारी किए जाने के बाद इन्होंने अपनी ही कंपनी में, जिसे आप डीमार्ट के नाम से जानते हैं, इसमें से लगभग 48 BPS यानी 0.48% का स्टेक घटाया है। एक गौर करने वाली बात यह भी है, अभी भी जो प्रोमोटर ग्रुप्स की एंटायर होल्डिंग है वो अराउंड 80% है, तो करंट फिनेंशियल ईयर के एंड होते होते यानी मार्च 31, 2020 से पहले हमें डीमार्ट में फिर से एक ऑफर फॉर सेल देखने को मिल सकता है। तो एज ए रिटेल इन्वेस्टर ये आपके लिए एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी साबित हो सकता है, जिसमें आप डीमार्ट में अपना फ्रेश पोजिशन बनाने के बारे में सोच सकते हैं। इन्होंने सीमेंट सेक्टर में से इंडिया सीमेंट को चुना है। दिसंबर के क्वार्टर में इन्होंने इसमें जम के खरीदारी की है। इनके स्टेक में हमें Q3 के दौरान लगभग 3.43% का एक इंक्रीमेंट देखने को मिल जाता है। लेकिन ये स्टॉक रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए अप्रोप्रिएट नहीं है, तो आप इस स्टॉक को करेंटली अवॉइड कर सकते हैं। अगला जो स्टॉक है वो है अडवानी होटल्स एंड रिसोर्ट। ये एक माइक्रो कैप कंपनी है जिसकी मार्केट कैप 250 करोड़ से भी कम है। इसका डेली ट्रेडिंग वॉल्यूम काफ़ी कम है, जिस वजह से ये स्टॉक काफ़ी ज़्यादा वोलेटाइल है, तो आप इस वजह से इस स्टॉक को अवॉइड कर सकते हैं। इनके पोर्टफोलियो में जो अगला स्टॉक है वो टोबैको सेक्टर को बिलोंग करता है। इसका नाम है VST इंडस्ट्रीज। इन्होंने इसमें अपना नया पोजिशन बनाया हुआ है, लेकिन करंटली इस स्टॉक का जो वैल्यूएशन है वो काफ़ी ऊपर जा चुका है, तो आप इसमें वेट एंड वॉच कर सकते हैं। अगर इसमें कोई करेक्शन आपको दिखाई देता है तो आप बाय ऑन डिप का जो फॉर्मूला है उसे अपना सकते हैं, लेकिन इसमें कोई भी खरीदारी करने से पहले आपको इसका जो फंडामेंटल्स है और टेक्निकल्स है उसे प्रॉपरली चेकआउट कर लेना होगा। इनके पोर्टफोलियो में जो नेक्स्ट स्टॉक है वो है सिंप्लेक्स इंफ्रा, और ये भी एक माइक्रो कैप कंपनी है। ये करंटली अपने 52-week हाई के मुकाबले 70% नीचे ट्रेड कर रहा है, और गौर करने वाली बात है इन्होंने इसमें अपना नया पोजीशन बनाया हुआ है। आप इनको ब्लाइंडली फॉलो ना करते हुए इस स्टॉक को भी अवॉइड कर सकते हैं, क्योंकि ये स्टॉक आपके लिए एक स्पेकुलेटिव ट्रेड साबित हो सकता है। फाइनली इनके पोर्टफोलियो में जो आखिरी स्टॉक है वो है डेल्टा कॉर्प। ये एक मिडकैप कंपनी है। रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने गैम्बलिंग एंड लॉटरी पे अपना जो टैक्स रेट है उसे 28% तक बढ़ा दिया है, जिस वजह से हमें इस स्टॉक में टाइम टू टाइम एक सेल ऑफ देखने को मिल जाता है। इन्होंने इस कंपनी में इस वजह से अपना जो स्टेक है उसे मार्जिनली घटाया है, जिसे हम 0.21% पे देख पा रहे हैं। टैक्स हाइक के वजह से हमें इस स्टॉक के जो बिजनेस प्रॉफिटेबिलिटी है उसमें नियर टर्म में एक डाउन साइड देखने को मिल सकता है, तो इस बात को कंसिडर करते हुए आप करेंटली इस स्टॉक को अवॉइड कर सकते हैं। लिस्ट में जो अगले इन्वेस्टर हैं उनका नाम है मिस्टर राकेश झुनझुनवाला, जिनके पोर्टफोलियो का नेटवर्थ अराउंड 3 बिलियन डॉलर्स है, और इन्होंने भी Q3 FY 2020 के दौरान अपने पोर्टफोलियो में कई सारे बदलाव किया हुआ है, जिसकी शुरुआत होती है टाइटन से। इन्होंने अक्टूबर से लेकर दिसंबर के बीच में इसमें स्टेक मार्जिनली बढ़ाया है, लेकिन एक गौर करने वाली बात है कि हमें इस बुलिश मार्केट में भी टाइटन के शेयर में एक साइडवे ट्रेंड देखने को मिल जाता है, और हम टाइम टू टाइम इस स्टॉक में एक सेल ऑफ को भी देख सकते हैं। तो आपको इस स्टॉक में अपना जो फ्रेश पोजीशन है उसे बनाने में कोई भी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। इसका जो Q3 रिजल्ट है वो हमें फरवरी 4 को जारी होता हुआ दिखाई दे सकता है। इसके बाद आप इस स्टॉक का जो फंडामेंटल और टेक्निकल्स है उसे चेकआउट करने के बाद ही इसमें अपना फ्रेश पोजीशन बनाने के बारे में सोच सकते हैं। इसके बाद इन्होंने फेडरल बैंक में भी अपना इन्वेस्टमेंट की हुई है, लेकिन हमें Q3 के दौरान
इनके स्टेक में लगभग 0.21% के मार्जिन से एक गिरावट देखने को मिल जाता है। हमें फेडरल बैंक का जो रिजल्ट है, Q3 रिजल्ट है, वो 20 जनवरी को जारी होता हुआ दिखा दे सकता है। तो आप इस रिजल्ट को चेकआउट करने के बाद इस बैंक में अपना इन्वेस्टमेंट प्लान कर सकते हैं। आईटी सेक्टर में इन्होंने फास्ट सॉल्यूशन में अपना इन्वेस्टमेंट किया है और इसमें भी हम Q3 में एक डिक्लाइन को देख सकते हैं, यानी कि इन्होंने अपने स्टेक में लगभग 0.32% का एक कटौती की हुई है। यह स्टॉक पिछले कुछ महीनों से काफी नीचे आ चुका है, तो आपको इस स्टॉक में भी अपना इन्वेस्टमेंट करने से अवॉइड करना चाहिए। लिस्ट में जो आखिरी स्टॉक है, यह सीमेंट सेक्टर को बिलोंग करता है, जिसका नाम है ओरियंट सीमेंट, और यह करेंटली अपने मल्टी और लो के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो आपको इस बात को कंसिडर करते हुए इस स्टॉक को स्ट्रिक्टली अवॉइड करना चाहिए। इसके बाद बारी आता है आकाश वंशाली जी का, जिनकी पोर्टफोलियो की नेटवर्थ $120 मिलियन है। इन्होंने रामकृष्ण फॉर्जिंग में अपना नया स्टेक क्रिएट किया है, जिसे हम 1.94% पे देख सकते हैं। ये कंपनी एक स्मॉल कैप कंपनी है, तो हमें इस वजह से इसमें टाइम टू टाइम एक सिग्निफिकेंट वोलेटिलिटी देखने को मिल सकता है। तो आप इस स्टॉक को भी रिटेल इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से अवॉइड कर सकते हैं। इसके बाद इन्होंने बलरामपुर चीनी मिल से अपना कंप्लीट स्टेक एग्जिट कर लिया है, या फिर इन्होंने अपना जो स्टेक है उसे बिलो 1% ले लिया है। करेंटली हमें पिछले कुछ महीनों से जो शुगर स्टॉक्स है उसमें काफ़ी ज़्यादा उछाल देखने को मिल जाता है, तो अगर आपके पोर्टफोलियो में शुगर स्टॉक्स है तो इसमें आपको अपना प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट कर लेनी चाहिए। लिस्ट में जो अगला नाम है वो है मिस्टर आशीष कोचोलिया का, जिनकी पोर्टफोलियो की नेटवर्थ है $90 मिलियन। इन्होंने Q3 में अपोलो पाइप्स में अपना स्टेक थोड़ा सा बढ़ाया है, जिसे हम 1.51% के मार्जिन से बढ़ता हुआ देख सकते हैं। एक गौर करने वाली बात है, अपोलो पाइप्स जो कि एक माइक्रो कैप कंपनी है, जिस वजह से हमें इसमें डेली बेसिस पे एक सिग्निफिकेंट वोलेटिलिटी देखने को मिल जाता है, और वॉल्यूम कम होने की वजह से आपको इसमें एंट्री और एग्जिट के ज़्यादा मौके नहीं देखने को मिलते। इस वजह से आप इस स्टॉक को अवॉइड कर सकते हैं। इन्होंने आईटी सेक्टर में से बिरला सॉफ्ट को चुना है, लेकिन इस स्टॉक में भी हमें काफ़ी ज़्यादा वोलेटिलिटी देखने को मिल जाता है, और पिछले कुछ सालों में इस स्टॉक में हमें भारी गिरावट देखने को मिल जाता है, तो आप इस स्टॉक को भी स्ट्रिक्टली अवॉइड कर सकते हैं। लिस्ट में जो अगला स्टॉक है वो है GACL, जो कि एक केमिकल बनाने वाली कंपनी है। इसमें हमें पिछले 6 महीनों में काफ़ी बड़ा गिरावट देखने को मिल जाता है, लेकिन पिछले 1 से 2 हफ्तों में हमें इसमें थोड़ी सी कंसोलिडेशन देखने को मिल जाता है। तो आपको क्या करना है, इसका जो Q3 रिजल्ट है उसे पहले आने का वेट करना है, उसके बाद ही आप इसमें अपना जो इन्वेस्टमेंट डिसीजन है उसे प्लान कर सकते हैं। इसके बाद अगला कंपनी है वो है वैभव ग्लोबल, जो कि ऑर्नामेंट और दूसरे ट्रेडिंग बिजनेस में है। इसमें भी हमें पिछले कुछ सालों से एक काफ़ी बड़ा साइड वे ट्रेंड देखने को मिल जाता है, और यह करेंटली अपने 52-week हाई के आसपास हमें ट्रेड होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इसमें आपको एक फ्रेश पोजिशन नहीं बनाना है, आप इसमें वेट एंड वॉच कर सकते हैं। जब कभी आपको इसमें एक प्रॉपर बाइंग अपॉर्चुनिटी देखने को मिले तो आप इसमें काफ़ी कम इन्वेस्टमेंट इस स्टॉक में करते हुए आप आगे चल सकते हैं। इसके बाद जो अगला स्टॉक है वो है पोषक, जो कि फिर से एक केमिकल बनाने वाली कंपनी है। इसमें भी हमें जो डेली वॉल्यूम देखने को मिलता है वो काफ़ी कम देखने को मिलता है, इस वजह से इसमें भी हमें काफ़ी ज़्यादा वोलेटिलिटी डेली बेसिस पे देखने को मिल जाता है। इसमें इन्होंने अपना नया स्टेक फॉर्म किया हुआ है, लेकिन ये स्टॉक करेंटली अपने 52-week हाई के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो आप इस स्टॉक के मुकाबले दूसरे लार्ज कैप केमिकल सेक्टर के स्टॉक को ज़्यादा प्रिफर कर सकते हैं। इसके बाद जो आखिरी स्टॉक का नाम आता है वो है हाइकल, जो कि एक फार्मा कंपनी है। कंपनी का मार्केट कैप 1600 करोड़ के आसपास है, लेकिन आप इसके मुकाबले दूसरे जो लार्ज कैप फार्मास्यूटिकल स्टॉक्स हैं उससे ज़्यादा प्रिफर कर सकते हैं। इन सब के बाद नाम आता है मुकुल अग्रवाल जी का, जिनके पोर्टफोलियो का नेटवर्थ है $70 मिलियन। इन्होंने एक माइक्रो कैप प्लास्टिक कंपनी में अपना इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, जिसका नाम है शैली इंजीनियरिंग। ये कंपनी सिर्फ BSE में लिस्टेड है, इस वजह से हमें डे टू डे इसमें काफ़ी ज़्यादा वोलेटिलिटी और काफ़ी कम वॉल्यूम देखने को मिल जाता है, तो आप इस स्टॉक को स्ट्रिक्टली अवॉइड कर सकते हैं। इन्होंने रिटेल सेगमेंट में वी मार्ट को चुना हुआ है, जिस स्टॉक में हमें एक साल में
लगभग 50% के आसपास एक डिक्लाइन देखने को मिल जाता है, तो आप वी मार्ट को भी इन्वेस्टमेंट पर्पज के लिए अवॉइड कर सकते हैं। इसके बाद नाम आता है एक फार्मास्यूटिकल कंपनी का, जिसका नाम है सोलारा एक्टिव फार्मा। ये एक स्मॉल कैप कंपनी है और इसमें हमें टाइम टू टाइम एक साइडवे ट्रेंड देखने को मिल जाता है। तो इसमें अगर आप अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इसमें आपको एक लॉस का सामना करना पड़ सकता है, तो इस वजह से आप स्टॉक को भी अवॉइड कर सकते हैं। इसके बाद जो आखिरी स्टॉक का नाम है वो है वर्धमान स्पेशल स्टील्स, जो फिर से एक माइक्रो कैप कंपनी है और इसमें इन्होंने लगभग 0.16% स्टेक को घटाया हुआ है, तो आपको भी इस स्टॉक को अवॉइड करना चाहिए। इनके बाद नाम आता है मिस्टर विजय केडिया जी का, जिनके पोर्टफोलियो का नेटवर्थ $50 मिलियन के आसपास है। पिछले 2 से 3 साल के अंदर हमें इनके नेटवर्थ में अराउंड 60-70% का एक डिक्लाइन देखने को मिल जाता है, क्योंकि ये मोस्टली माइक्रो कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स में अपना डील करते हैं। इन्होंने दिसंबर के क्वार्टर में वैभव ग्लोबल में अपना जो स्टेक है उसमें एक मार्जिनल कटौती की हुई है। जैसे कि हमने पहले आपको बोला कि वैभव ग्लोबल अपना जो 52-week हाई है उसके जस्ट नीचे ट्रेड कर रहा है, तो इसमें आप एक डिप का वेट कर सकते हैं, तभी जाके आपको इसमें एक पोजिशनल ट्रेड लेने का अपॉर्चुनिटी मिल सकता है। इसके अलावा इन्होंने एक माइक्रो कैप फार्मास्यूटिकल कंपनी न्यूलैंड लैब में भी अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया है, लेकिन ये एक माइक्रो कैप होने की वजह से आपको इसमें टाइम टू टाइम एक सिग्निफिकेंट वोलेटिलिटी देखने को मिल जाता है, तो आप इस बात को ध्यान में रखते हुए इस स्टॉक को स्ट्रिक्टली अवॉइड कर सकते हैं। लिस्ट में जो आखिरी नाम है वो है मिसेस डॉली खन्ना का। वन टाइम इनका जो नेटवर्थ था वो अराउंड 500 करोड़ के आसपास था, क्योंकि ये स्मॉल कैप और माइक्रो कैप में अपना इन्वेस्टमेंट करना ज़्यादा प्रीफर करती हैं और स्मॉल कैप और माइक्रो कैप में गिरावट आने की वजह से करेंटली नेटवर्थ है वो गिरते हुए 155 करोड़ तक, यानी कि $22 मिलियन तक आ चुका है। इन्होंने दिसंबर के क्वार्टर में नोसिल में अपना जो स्टेक है उसमें मार्जिनल कटौती की हुई है। इसके अलावा इन्होंने मुथूट कैपिटल में अपना न्यू इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया हुआ है। एज ए रिटेल इन्वेस्टर आप इसका जो पेरेंट कंपनी है मुथूट फाइनेंस उसे ज़्यादा प्रीफर कर सकते हैं। इसके अलावा इन्होंने फिर से एक माइक्रो कैप कंपनी बटरफ्लाई गांधीमती में अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ाया है, जो कि करंटली 1% से भी ऊपर आ चुका है। आप इस स्टॉक को भी स्ट्रिक्टली अवॉइड कर सकते हैं, क्योंकि इस स्टॉक में हमें एक ही क्वार्टर में लगभग 50-60% का प्राइस में उछाल नहीं तो गिरावट देखने को मिल जाता है। अगर आप इन सब बातों को फॉलो करते हैं तो आपको अपना एक बेहतर पोर्टफोलियो क्रिएट करने में काफ़ी ज़्यादा आसानी हो सकती है। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। इफ यू लाइक दिस वीडियो स्मैश द लाइक बटन एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर इट अक्रॉस सोशल मीडिया। इन केस यू आर न्यू टू दिस चैनल, subscribe and turn on the notification bell so you don't miss out any update from us. Thanks for watching and I'll see you in my next video. Until then, happy investing.